नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजू विश्वकर्मा FMC कंपनी से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम खड़े हैं सोयाबीन की फसल में FMC का नया उत्पाद अथॉरिटी नेक्स्ट, जो कि एक प्री सेगमेंट का हर्बिसाइड है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सोयाबीन की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण पूर्ण रूप से कैसे करें और हम खरपतवारों से कैसे निजात पा सकते हैं, आज हम देखेंगे। आपके सामने दो यहाँ प्लॉट लगे हुए हैं सोयाबीन की फसल में। एक प्लॉट के अंदर अथॉरिटी नेक्स्ट नहीं डला है, एक प्लॉट के अंदर अथॉरिटी नेक्स्ट डला है। तो जिस प्लॉट में अथॉरिटी नेक्स्ट, अगर इस प्लॉट की बात करें, यहाँ पर अथॉरिटी नेक्स्ट दवाई का उपयोग नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर जो किसान डालता है दवाई या नहीं डालता है, तो उसमें कितने प्रकार के खरपतवार उगते हैं और क्या नुकसान पहुँचाते हैं, ये हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे पूरे खेत में यहाँ पर खरपतवार उगे हुए हैं और स्पष्ट रूप से सोयाबीन के फसल में प्रतिस्पर्धा कर रही है। कीटों का प्रभाव है, पानी और खाद का भी यहाँ पर दुष्प्रभाव देखने को उपयोग कर रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव फसल के ऊपर देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग FMC कंपनी का सोयाबीन का जो उत्पाद है, हमने यहाँ पर अथॉरिटी नेक्स्ट का उपयोग किया। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से हमने यहाँ पर उपयोग किया था। सोयाबीन बुआई के बाद हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है। नमी जमीन में पर्याप्त थी, उसके ऊपर हमने यहाँ वो किया है। तो आइए रिजल्ट हम लोग देखते हैं। इस खेत के अंदर यहाँ पर किसी भी तरीके से अभी सकड़ी पत्ती, चौड़ी पत्ती का कोई भी खरपतवार आपको दिखाई नहीं देगा। जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, जो हम लोग लेबल क्लेम है, जो हम लोग लिटरेचर पर दे रहे जानकारी, उसके अनुसार आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि कोई भी खरपतवार यहाँ पर नहीं आया है। फसल बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल अपनी अवस्था के अनुरूप ग्रोथ कर रही है, और पूरा खेत आप देख सकते हो यहाँ से वहाँ तक पूरा क्लीन है, कोई भी किसी प्रकार का खरपतवार नहीं है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने खेतों में सोयाबीन जब आप बोनी करोगे, तो 0 से 72 घंटे के अंदर अथॉरिटी नेक्स्ट का उपयोग करें। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोनी करने के 72 घंटे हैं उपयोग। हम करते समय ध्यान रखना है कि जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, कट नोजल से करें। 200 लीटर पानी कम से कम एकड़ में जाना चाहिए और पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से ये रिजल्ट आपके सामने होगा, जो कि यहाँ पर पूरा खरपतवार उगा हुआ है और इस खेत में यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का खरपतवार नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आपकी सोयाबीन की फसल में इसका अथॉरिटी नेक्स्ट का उपयोग ज़रूर करें। धन्यवाद।